हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नए WH वर्ड्स की। और ये WH वर्ड्स हम पहले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, मतलब जो हम लोगों ने WH पैटर्न से रिलेटेड जो सीरीज बनाई है उनमें भी इन WH वर्ड्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं वन बाय वन। जैसे हु का यूज हम देख चुके हैं, हु ऑल का यूज हम देख चुके हैं, हु एल्स का यूज हम लोग सेपरेट वीडियोज में देख चुके हैं। अगर आप उन सेपरेट वीडियोज को समझना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए और वहां पर इन वीडियोज को वन बाय वन देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं तीनों वर्ड्स को, मतलब हु का क्या मतलब होता है, उसका क्या यूजेस होता है, हु ऑल का क्या मतलब होता है, उनके क्या यूजेस होते हैं, हु एल्स का क्या मतलब होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं, एक ही वीडियो में हम लोग कंबाइन करेंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं हु, हु ऑल और हु एल्स के सारे कांसेप्ट एक ही वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल टैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम कंपेयर करेंगे तीनों में कि हु क्या होता है, हु ऑल क्या होता है, हु एल्स क्या होता है, क्या ये तीनों एक ही है, तीनों में कंपैरिजन है। दोस्तों, तीन वीडियो बनाए हुए, मतलब ये तीनों ही अलग है। अगर ये एक ही होते तो मैं एक ही वीडियो में इसको खत्म कर देता, लेकिन यहां पर इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा कि कौन सी चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं हु की बात करूं, हु का मतलब होता है कौन या किसने, हु का मतलब होता है कौन या फिर किसने। लेकिन उसी तरह अगर मैं हु ऑल की बात करूं तो फिर ये कौन नहीं होता, अब ये कौन कौन हो जाता है। दो बार हु ऑल की बात होगी तो कौन कौन या फिर किसने किसने। अगर दो बार कौन कौन वर्ड आता है या किसने किसने वर्ड आता है तो हम लोग हु ऑल का यूज करते हैं। उसी तरह हु एल्स, जिसका मतलब होता है और कौन, और कौन, ये एल्स का मतलब होता है और कौन या फिर और किसने। तो हम लोग ये तीनों ही वर्ड्स को ध्यान से देखें, एक वर्ड है कौन, दूसरा वर्ड है कौन कौन और तीसरा वर्ड है और कौन। एक वर्ड है किसने, दूसरा वर्ड है किसने किसने और तीसरा वर्ड है और किसने। ये तीनों ही वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। अब जैसे मुझे बोलना है तुम कौन हो, तो कौन के लिए हु, तुम कौन कौन, कौन कौन इस काम को कर सकता है, कौन कौन मतलब हु ऑल, और किसने इस काम को कंप्लीट किया, और किसने तो मतलब होता है हु एल्स। कौन पानी भर रहा था, कौन पानी भर रहा था मतलब हु यूज करेंगे। कौन कौन पानी भर रहे थे, कौन कौन मतलब हु ऑल यूज करने वाले हम लोग। और किसने तुम्हें धोखा दिया, और किसने मतलब हम हु एल्स का यूज करने वाले हैं। मतलब हमें जब कौन या किसने से संबंधित कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग हु का यूज करेंगे, जब हमें कौन कौन या किसने किसने से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग हु ऑल का यूज करेंगे, और जब हमें और कौन या और किसने से संबंधित प्रश्न मिलेंगे तो हम लोग वहां पर हु एल्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि किसका क्या मीनिंग निकलता है। देखिए, हु डिड दिस, पहला क्वेश्चन हु डिड दिस, हम जानते हैं हु का मतलब होता है कौन, किसने डिड यह किया, डिड यस या दिस मतलब होता है यह, हु डिड दिस किसने यह किया, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से है। डू का सेकंड फॉर्म है डिड, यहां मेन वर्ब के रूप में, यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब। हु डिड किसने किया, दिस मतलब यह, हु डिड किसने किया, यह किसने किया, यह किसने किया। तो यहां हु का मतलब आया किसने, क्या मतलब आया किसने। जैसे हु ऑल हैड कंप्लीटेड दिस टास्क, हु ऑल इसको अलग रखते हैं, हैड कंप्लीटेड दिस टास्क। देखिए, ये हु ऑल भले यहां क्वेश्चनिंग वर्ड है लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में यहां है। हु ऑल हैड कंप्लीटेड, किस किसने कंप्लीट किया था, किसने किसने कंप्लीट किया था या किस किसने कंप्लीट किया था दिस टास्क, इस टास्क को, इस टास्क को किसने किसने कंप्लीट किया था या कौन कौन इस टास्क को कंप्लीट कर चुका था या किसने किसने इस टास्क को कंप्लीट किया था या किस किसने इस टास्क को कंप्लीट किया था। टास्क मतलब कोई काम दे देना, कितने समय में इस काम को करना है, तो वो टास्क बन जाता है। जब किसी काम को समय के साथ बांध दो तो वो टास्क कहलाता है। सो ना, सो हु ऑल हैड कंप्लीटेड दिस टास्क, कौन कौन यह काम कंप्लीट कर चुका था। आगे देखिए, हु एल्स कैन क्रैक दिस इंटरव्यू, Who else, जिसका मतलब होता है और कौन या और किसने। Who can, और कौन can crack, crack कर सकता है this interview, इस interview को। कौन और कौन इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकता है, जैसे मोहन भी कर सकता है, सागर भी कर सकता है, अंकित भी कर सकता है, लेकिन इनके अलावा और कौन इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकता है, और कौन, तो हम लोग वहां यूज करते हैं दोस्तों हु एल्स। ठीक है, हु वाज वाचिंग बाहुबली मूवी, सो हु है सिर्फ, कौन वाज वाचिंग देख रहा था बाहुबली मूवी, सो कौन बाहुबली मूवी देख रहा था, क्योंकि सिर्फ हु है तो इसका मतलब सिर्फ हम कौन के सेंस में लेंगे। उसी तरह हु ऑल हैव मोर देन 10,000 रुपीज, हु ऑल, और देखो किस किसके पास या किसके किसके पास ऐसा आने वाला है, किसके किसके पास हैव मोर देन 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए से ज्यादा है, किसके किसके पास 10,000 रुपए से ज्यादा है, किसके किसके पास 10,000 रुपए से ज्यादा है। हु एल्स वॉज कंफ्यूज अबाउट दिस वर्क, हु एल्स मतलब और कौन या और किसने आने वाला है, सो और कौन
who was confused, confused था, और कौन confused था about this work, इस काम के बारे में, इस काम के बारे में और कौन confused था, so who else was confused about this work, इस काम के बारे में और कौन confused था। आगे देखिए, who is busy now, अब ये देखिए who, इसका मतलब होता है कौन, क्योंकि who आया single, who is busy now, अभी कौन busy है, अभी कौन व्यस्त है। आ गया नीचे who all are busy now, अब who all आ गया, अब who all आ गया कौन कौन, मतलब हम एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, so who all are busy now, अभी कौन कौन busy है, who else is busy now, और कौन अभी busy है, अभी देखिए इसका मतलब क्या गया, और कौन busy है, एक व्यक्ति, मतलब जब हम और कौन के बारे में बात करते हैं तो हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, और कौन अभी busy है या अभी और कौन busy है, तो पहला sentence देखिएगा, who is busy now, अभी busy कौन है, Who all are busy now? अभी busy कौन कौन है, मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में। Who else is busy now? अभी और कौन busy है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में तो हम जानते ही हैं, उसके अलावा कोई और व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन अभी busy है, so who else is busy now? ये सिंगुलरी होता है। Who all can motivate to students? Who all? कौन कौन can कर सकते हैं motivate स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को कौन कौन स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग हु से प्रश्न करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जब हम Who all मतलब कौन कौन से प्रश्न करते हैं, हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, और जब हम who else से प्रश्न करते हैं तो who else में हम लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और एक सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। Who मतलब किसी एक सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन करते हैं, who all एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन करते हैं, और who else मतलब कोई सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं लेकिन उसके अलावा किसी और एक सब्जेक्ट के बारे में जब जानने के लिए प्रश्न होगा तो वो हु एल से होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इन स्लाइड में, इन वर्ड्स के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझ में तो आ गया होगा कि हु का यूज कैसे करते हैं, हु ऑल का यूज कैसे करते हैं, और हु एल्स का यूज कैसे करते हैं। आगे वाली स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे दिमाग में अगर किसी भी तरह से कौन 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 या और कौन इस तरह से प्रश्न आते हैं तो उसको ट्रांसलेट सडन कैसे करेंगे, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। अगर हमारे सामने कौन या किसने, या फिर कौन कौन या किसने किसने, या फिर और कौन या और किसने से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सडन कैसे करेंगे कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, उसको समझते हैं। कौन तुम्हें धोखा दे रहा था, सिर्फ कौन आया तो हम लोग हु का यूज करेंगे, धोखा दे रहा था मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, कौन तुम्हें धोखा दे रहा था, तो हु वॉज बिफूलिंग यू, कौन तुम्हें धोखा दे रहा था, हु वॉज बिफूलिंग यू, हु वॉज बिफूलिंग, और कौन इस काम को कर सकता है, और कौन, ठीक है, सो हु एल्स, और कौन मतलब क्या हुआ, हु एल्स, और कौन, हु एल्स, और कौन इस काम को कर सकता है, कैन डू दिस वर्क, और कौन इस काम को कर सकता है, तो हु एल्स कैन डू दिस वर्क, कौन कौन यहां मौजूद है, कौन कौन यहां मौजूद है, कौन कौन मतलब हु ऑल, हु ऑल आर प्रेजेंट हियर, हु ऑल आर प्रेजेंट हियर, मौजूद मतलब उपस्थित होना, सो हु ऑल आर प्रेजेंट हियर, जैसे मुझे बोला किसके पास पैसा है, मुझे बोलना है किसके पास पैसा है, सो हु हैज मनी, किसके पास है ना, किसके पास पैसा है, हु हैज मनी, अब मुझे पूछना है किस किसके पास पैसा है या किसके किसके पास पैसा है एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में, तो लगाएंगे हु ऑल, और जब ज्यादा के बारे में तो हेल्पिंग वर्ब भी ज्यादा के बारे वाली, हु ऑल हैव मनी, किस किसके पास पैसा है या किसके किसके पास पैसा है, आगे तुम्हारे सिवा और किसके पास पैसा है, तुम्हारे सिवाय और किसके पास पैसा है और किसके पास, हु एल्स, एक व्यक्ति बार हु एल्स हैज मनी, तुम्हारे अलावा, तो हम लोग बोल सकते हैं बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा और किस किस और किसके पास पैसा है, हु एल्स हैज मनी बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा और किसके पास पैसा है, जैसे मैंने हमें बोलना है कौन डॉक्टर है तो हम बोलते हैं कौन, हु इज डॉक्टर, ठीक है, अब मुझे बोलना है कौन कौन डॉक्टर है, ये बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 100-150 से ज्यादा लोग, उसमें मैंने पूछना है आप में डॉक्टर कौन कौन है, कौन कौन, तो आप में डॉक्टर कौन है, कौन कौन है, सो हु आर, हु ऑल आर डॉक्टर, Who all are doctors? आप में, among you all, कि आप सब में डॉक्टर कौन कौन है, So who all are doctors among you? आप सब में डॉक्टर कौन कौन है, जैसे और कौन तुम्हारी मदद कर पाएगा, और कौन, तो और कौन के लिए क्या होता है, who else will be able to help you?
who all will be able to help you, और कौन तुम्हारी मदद कर पाएगा। जैसे कौन तुम्हें समझ सकता है, कौन तुम्हें समझ सकता है, सिर्फ कौन आया तो लगा दो who can, समझना understand, so who can understand you, कौन कौन तुम्हें, सॉरी कौन तुम्हें समझ सकता है, who can understand you। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, जब हमारे सामने स्थिति आ रही थी कौन के लिए या किसने के लिए या किसके पास के लिए, तो हम लोग लगाते हूं, और जब हमारे पास स्थिति आती है कौन कौन किस किस के पास या किसने किसने, तो हम लोग लगाते हैं वहां who all, और जब हमारे पास स्थिति आती है और कौन और किसने और किसके पास, तो हम लोग वहां लगाते हैं who else। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने who all और who else इसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है ये समझ लिया होगा। आगे हम मिलते हैं कुछ और WH words के डिफरेंस के साथ। थैंक यू सो मच।